सिवाय के आंगनबाड़ी में इंश्योरेंस वाले को जाइए हम एक बार। गाइस ठीक है भाई, स्मॉल बैग गाइस भी ठीक है, फिर चलते हैं अंदर गोरे से मिलते हैं, फिर अपना जो टूटी को हैंडल करते हैं। राम राम दोस्तों, भाई आज जाना है सिवाय की आंगनबाड़ी में, तो आज आपको दिखाते हैं सिवाय की आंगनबाड़ी, यहाँ की अमेरिका की आंगनबाड़ी कैसी हुआ, ठीक है तो चलते हैं लेके, मिलते हैं वहीं पे। या भाई आंगनबाड़ी यहाँ की, ये घूम रहा सिवाय, सिवाय का वेट वूट यहाँ से मतलब ये अपॉइंटमेंट दे भाई टाइम, तो ये पूछो भाई क्या प्रोसेस है, क्या खैर है क्या ना खैर है, वो वाली अपॉइंटमेंट थी, बाकी कार्ड से बना था, देख रजी कर दिया मार देने आने का। तो भाई देखो ये बच्चों ने लेकर सामने वाले, तो ये सारी कंसर्ट दे मतलब इनका सिस्टम बहुत बढ़िया बंदा है यार, यहाँ के अंदर गोरे बंदे बहुत ठीक है। बाकी इनकी आंगनबाड़ी में देखो किताबा तरी, किसी ने किताबा लेनी हो फ्री में है भाई सारा कुछ, ये बड़ी किताबा जूते पड़े फ्री में, जाने जूते लेने किसी के कपड़े पड़े सारी चीज पड़ी, बात करते जाके भाई लिगड़ गया आंगनबाड़ी में तो सिवाय की। अब सोच रहा मैं भाई सिवाय के इंश्योरेंस वाले को जाइए हूँ एक बार, उनसे बात करी हूँ भाई क्या रोला होगा क्या नहीं होएगा, बाकी नहीं पता भी कार्ड वालों पता लेगा सामान, देखते हैं वहाँ जाकर। ये बोल रहे भाई लग जाएगा बनापी, लग जाएगा बनापी, कहाँ जा रहा सिवाय ने स्वाद है कि बाहर तू कहाँ जाएगा है? अरे कहाँ जाएगा चाचा, भाई पीछे जो दिख रहा है बिल्डिंग या सिवाय की आंगनबाड़ी कह रहा है मैं, क्योंकि बोला तो इसने सोशल ऑफिस यहाँ का, तो लेकिन आपको समझ में आया इसलिए आंगनबाड़ी कह रहे हैं, चलेंगे सिवाय के इंश्योरेंस वालों। भाई फाइनली भाई आंगनबाड़ी में थे आ गए सिवाय की, बहुत बढ़िया लोग हूँ भाई यहाँ के, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी मतलब बिहेवियर है उनका, तो अगर आप पॉजिटिव बिहेव करोगे उनके साथ। ये मान लो मेरे आगे एक काला बंदा खड़ा था, बेचारा काला खड़ा था, उसने इंग्लिश नहीं आंदी, तो मैं कह रही भाई सुना भाई इस फार्म ना फील मारने इसकी जरूरत नहीं है, इस फार्म की तो इसने फील करके दे, गेलो कर है वो मैंने इस फार्म की जरूरत नहीं है, इसने फील करके देना था ना मैडम कह रही, अरे वो काला फिर करके है उसने भी गुस्सा किया मैडम ना, अरे वो काले की बेचारे गलती नहीं, तो कभी कभी भाई इनका बी पी आई हो जा, क्यों काम कर रहे यार वर्कर है, पर फिर भी है भाई साहब काम पर कभी भी मिसबिहेव नहीं करता, मिसबिहेव इनके पॉइंट जुड़ा भाई बहुत अच्छी चीज़ लगी मैं, इनके पॉइंट जुड़ा इनके रिव्यू जुड़ा, हर एक बंद मतलब हर एक मैडम यो मैडम के भाई यो पॉइंट है, यो मैडम के पॉइंट है बिहेवियर के, तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। सुबह सुबह उठ कर जाना पड़ गया क्योंकि इनकी इस किसी की अपॉइंटमेंट थी, चलो आगे देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई तैयार त्यूर होगा, रोटी राटी बंद वाली, चलाना करें अपने काम की तरफ, मौसम राज गर्म, बाकी मैं जैकेट सीनू पैरी है भाई क्योंकि रात के टाइम थोड़ा सर्दी हो जा, हाथ में ले जाने की बजाय पैरी लिए भाई, आज मौसम गर्म, आज 13-12 डिग्री टेम्परेचर हो रहा, गर्म कह सकता जी सुना ठीक है ना। दस 15 मिनट की नींद और ली भाई सिवाय की आंगनबाड़ी में आएगा, वहाँ से उसका कार्ड बना यार, उसकी अपॉइंटमेंट मिला हर 2-3 महीने के बाद, मैं चेक करा भाई बेबी ने बहुत मतलब बहुत सीरियस है, हर एक बेबी के लिए भाई हर एक बच्चे के लिए हर एक चीज़ चेक करा भाई, कैसे रो क्या इम्प्रूवमेंट हो रही, वेट कितना हो रहा, सब कुछ देखा सब कुछ चेक करा भाई,
माँ बाप सही रख रहे कि नहीं रख रहे बच्चे ना, माँ बाप कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे, सारी चीज चेक करा बंदे, इन चीज की मतलब बहुत ज्यादा केयर करा है बंदे। अगर कोई बच्चे हाँ वो है ना, तो भाई साहब इसी में बहुत बहुत फैन हूँ उनका मैं भाई, बहुत सहायता कराए ये। अगर कोई मान लो एक्सीडेंटली कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए ना, तो सबसे पहले उन्हें टेक केयर करा भाई, अगले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकी बाद में पहले टेक केयर, जो भी फर्स्ट एड कुछ भी हो सब चीज पहले वो प्रोवाइड करवा। इंडिया में तो भाई पहले पैसे लाओ फिर अगली चीज देखें। मान लो कोई यहाँ से पता क्या चक्कर हुआ, यहाँ चक्कर ये हो भाई, अगर कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्यों हो भाई, एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस आओ या कोई भी पुलिस पुलिस वगैरह जो भी करो एम्बुलेंस ले जाओ भाई, इलाज करा भाई ये दब का, सब चीज कर दो। इंडिया में क्यों भाई फर्स्ट एड दे देंगे लेज का, इनके घर वाले तो पूछे बिल का चिट्ठा पकड़ा देंगे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ जिस तरह भाई सिब्बल हो ना, सिब्बल सिब्बल मतलब लोन वगैरह ले तो सिब्बल देख कर दे भाई, सिब्बल कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इंटरनेशनल सिब्बल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसी तरह होगी। यहाँ से मान लो सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, ये इलाज पूरा करेंगे, चाहे भाई कई लाख रुपए लग जाइए सारा इलाज करके देंगे, उसके सोशल सिक्योरिटी में सारे पैसे चढ़ा देंगे। अगर उनके पास इंश्योरेंस होगा तो उसमें वो कट जाएगा, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो सोशल सिक्योरिटी में सारा पैसा चढ़ रहेगा भाई, वो की जिम्मेवारी है भाई, सुना उतारना या नहीं तारना, ये सुना उतारना या नहीं तारना, सुना बेनिफिट और ना बेनिफिट क्या है भाई उस चीज़ के। मान लो हम यहाँ फ़ोन ले लगा, ये बंदे यहाँ फ़ोन ले ला भाई, इसकी किस्तों में ले ला, तो यहाँ वो टेक केयर नहीं करते भाई, गोरो गोरो खड़े गए इंश्योरेंस वाले भाई पैसे दो किस्त रुकड़ी सारी, टेक केयर नहीं करते इस चीज़ की। फ़ोन कर सकते होंगे भाई, मतलब आज तक किस्त कास्त फोन साड़ा ऐसा कोई रोड नहीं हुआ यहाँ से, पर फिर भी फ़ोन कर देने के ऊपर बाकी जबरदस्ती नहीं करते भाई किसी पर भी, ठीक है। नोटिफिकेशन बहुत भेज देंगे फ़ोन के थ्रू, मैसेज आ जाएगा भाई आपकी पेमेंट है ऐसे कुछ है, ठीक है। फालतू कोई लफड़ा नहीं पाते इंडिया में, तो भाई रोले भी हो जाता कड़े, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कंपनी में काम करा है इंडिया में भाई। तो बात अगली है भाई, तो क्यों हुआ कि आपके सोशल सिक्योरिटी में चढ़ा जाए पैसे भाई सारे, उसको नुकसान क्या, अगर आपने किस्त सारी रुकी खड़ी तो आपकी, अगर पेमेंट रुकी खड़ी तो क्यों हुआ, यहाँ पर नुकसान ही हुआ ना, तो आप उसके बाद कहीं रेंट पर कुछ चीज़ ले सकते, ना ही कुछ चीज़ खरीद सकते, ना कोई साधन खरीद सकते, ठीक है ना, ना कोई साधन खरीद सकते, कुछ भी नहीं कर सकते यार, ना कोई फ़ोन किस्तों पर ले सकते, कुछ भी सामान नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ भी सोशल सिक्योरिटी का नंबर का यूज हुआ ना, वहाँ आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जॉब पर जाओगे ना तो वहाँ भी वो चीज़ सो होगी, किसी ना किसी तरह तो रिकवर करवा ही लेंगे अपना भाई, बढ़ने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर आप यहाँ असैलम सीकर हो, असैलम सीकर मतलब जिस तरह के लोग यहाँ केस लगवा लाएगा भाई, केस लगवा लेते इंडिया वाले अंदर, अगर आप ऐसे कुछ हो तो भाई पीआर मिलने से पहले आपकी दिक्कत होगी, सारा कुछ खड़े दिखेगा, वो सारा सिस्टम बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई चल दिया काम की तरफ, चलो अब काम पर पहुँच के बात करते हैं। तो फाइनली भाई अपना पहुँच गया काम पर, काम पर पहुँचने से पहले ये बाहर आइसा भाई, आइस चेक कर लूँ पूरी है कि नहीं, बिग बैग आइस ठीक है भाई, स्मॉल बैग आइस भी ठीक है, फिर चलते हैं अंदर गोरे से मिलते हैं, फिर अपना ड्यूटी को हैंडल करते हैं। What's up, Mr. Gant? Hi. You good? New tickets? What's that? Oh, they were just, it's Tuesday, I put up some Okay. राम राम सभी को, ये मैं काम पा गया, मैं काम ज्वाइन करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब, कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो जरूर पूछे करो भाई, शेयर जरूर कर दिया करो, जय श्री राम।